तो कैसे हैं आप सब लोग साथियों? इस संसार में चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे एक आम इंसान हो, सबको प्रकृति ने बिना किसी भेदभाव के अपनी बात को रखने, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया है, जिसको हम सामान्य रूप से एक नेचुरल राइट या एक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार के रूप में जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। साथियों, अगर बात मैं करता हूँ ह्यूमन डिग्निटी की, तो इसे ह्यूमन राइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर बात करता हूँ भारत की, जहाँ पर रूल ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, और ये कहा जाता है कि लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन, वहाँ पर इस अधिकार को संविधान में अनुच्छेद 19 में फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। और फंडामेंटल राइट होने के नाते अनुच्छेद 19 चूंकि 600 में बटा हुआ है, उसमें एक हिस्सा जो महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को फ्रीडम है, स्वतंत्रता है उसके एक्सप्रेशन की, उसके स्पीच की। कारण क्या है कि यदि हमें कोई फ्रीडम फंडामेंटल फॉर्म में नहीं होगी, तो इसको हम इमिजिएटली विंडिकेट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमारी रेमेडीज इंटैक्ट रहें, हमें रेमेडीज जल्दी मिलें, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट को संविधान के तहत फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कहा गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि जब जब आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होंगे, आप डायरेक्टली उनके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। कोर्ट को यदि आप कन्विंस करते हैं कि आपके अधिकार्स का वॉयलेशन हुआ है, तो डेफिनेटली आपको उपचार मिलेगा। साथियों, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भले ही आपके पास कानून में उपचार है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप अपने राइट्स, अपनी लिबर्टी या अपनी फ्रीडम के तहत दूसरों के राइट्स, उनकी फ्रीडम या उनकी रेमेडीज को जो है वो अफेक्ट कर दें। आप पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है। आर्टिकल 19 के तहत आपको जो अधिकार दिया गया है, उसी में इसी आर्टिकल के सब क्लॉज 2 अर्थात आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। सबसे रिसेंट एग्जाम्पल जिसका हमें देखने को मिलता है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून के तहत रिसेंटली प्रशांत भूषण पे मामला चला, और कोर्ट ने माना कि उन्होंने भले ही अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत कुछ बातें लिखी जो उनके अनुसार ठीक थी, उनको लगता है कि उन्होंने अपने अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए एक फेयर क्रिटिसिज्म जुडिशरी का किया है, पर वास्तव में वो कमेंट स्कैंडलस था, वो डेलिब्रेट था, कोर्ट की अथॉरिटी को अफेक्ट करने वाला था, जिस कारण वो कमेंट कंटेम्पोरियस माना गया और उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून की कैटेगरी क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत दोष सिद्ध किया गया। ये पूरा मामला जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रशांत भूषण चूंकि पेशेवर अधिवक्ता है, 30 साल से अधिक समय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो इस कानून की गिरफ्त में आ गए। आप तो एक आम इंसान है, आपको कानून की नॉलेज भी नहीं है, और आप आए दिन बगैर सोचे समझे अफवाहें फैलाते रहते हैं सोशल मीडिया पे। आप अफवाहें फैलाने की बजाय उनको वेरीफाई करें, और आपकी अफवाह अगर कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है, और आपकी अफवाह अगर कोर्ट के फैसले जुड़ी हुई है, और आपकी अफवाह से अगर कोर्ट की फैसले, कोर्ट की डिग्निटी या कोर्ट की इमेज में किसी भी तरह का घाटा होता है या कोर्ट की इमेज लोअर डाउन होती है, तो डेफिनेटली आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कानूनी कार्रवाई चलेगी। आपके माइंड में गलत मिथ्स क्या है कि हम तो कोर्ट गए नहीं, हमारा कोई केस पेंडिंग है नहीं, हमने कोई ऑर्डर डिसओबे किया नहीं है, तो जब हम गए नहीं तो हम पे कार्रवाई कैसे होगी? तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि मीडिया लॉ भी अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून का पार्ट बन चुका है। भले ही आप मीडिया मैन हो, भले आप एक ले मैन हो, भले आप एक वकील हो, भले आप एक जज हो, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कोर्ट की इमेज को डिटोरेट करेगा, उसको डैमेज करेगा, तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून के तहत कार्रवाई होगी। जिस कारण ये चैप्टर, ये अध्याय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अध्याय के माध्यम से कोर्ट आपको यह नहीं समझा रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कानून क्या है, ये केस क्या है, प्रशांत भूषण कौन है, बल्कि यह बताना चाहता है कि यदि आपने अपने राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, कोर्ट की डिग्निटी को, कोर्ट के डेकोरम को अफेक्ट किया, तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो लक्ष्मण रेखा पार करने से पहले सोच लें कि आप क्या करने जा रहे हैं। साथियों, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रशांत भूषण जो कि पेशेवर वकील हैं, एक इमिनेंट जुरिस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने दो कमेंट जून 2020 में ट्विटर अकाउंट पे किए, जिसकी जानकारी होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में उन कमेंट्स को कंटेम्पोरियस मानते हुए उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून के तहत कार्रवाई इनिशिएट की, जिस कारण हमें आज इस स्टेज पर यह समझना होगा कि वो दो कमेंट्स क्या थे। पहला कमेंट जो उनके द्वारा सोशल मीडिया पे किया गया, जिसमें उनके द्वारा साफ साफ लिखा गया, सीजीआई राइट्स, सीजीआई का अभिप्राय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट्स आ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ बीजेपी लीडर एट राजभवन नागपुर।
विदाउट अ मास्क और हेलमेट एट अ टाइम व्हेन ही कीप्स द सुप्रीम कोर्ट इन लॉकडाउन मोड डिनाइंग सिटीजन देयर फंडामेंटल राइट टू एक्सेस जस्टिस। ये कमेंट उन्होंने लॉकडाउन सीजेआई के मानसिकता को लेते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पे किया और ये बताने का प्रयास किया कि कोर्ट को बंद करके वो आराम से एक मोटर बाइक राइड कर रहे हैं और मोटर बाइक भी किसी पॉलिटिशियन की है, जिस कारण उन्होंने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच नेक्सस को दिखाने का प्रयास किया। दूसरा कमेंट था, व्हेन हिस्टोरियंस इन फ्यूचर लुक बैक एट द लास्ट सिक्स ईयर टू सी हाउ डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन इंडिया इवन विदाउट अ फॉर्मल एमरजेंसी। भाई एमरजेंसी के तहत तो डेमोक्रेसी खत्म हो सकती है, बट एमरजेंसी भी नहीं है तब भी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, ये कैसे हो गया? दे विल पर्टिकुलरली मार्क द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस डिस्ट्रक्शन एंड मोर पर्टिकुलरली द रोल ऑफ द लास्ट फोर सीजेआई। साथियों, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का, डेमोक्रेसी का, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी सबूत के आपने सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी पर ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया। आपने यह कह दिया कि उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते डेमोक्रेसी को अफेक्ट किया है, जिसमें पूर्व चार सीजेआई का रोल है। आपने ये कह दिया कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट का काम छोड़ के, कोर्ट को बंद करके आराम से जो है बाइक पे घूम रहे हैं। पर जब इन फैक्ट्स को वेरीफाई किया गया तो ये जानकारी में आया कि ये फैक्ट इंसेप्शन से झूठे थे, स्कैंडलस थे, डेलिबरेट अटैक थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में काम किया और ये फैक्ट रिकॉग्नाइज है, ये फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है कि 12,000 से अधिक मुकदमों का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉकडाउन के परस्पेक्टिव में किया गया। और इसके अलावा डेमोक्रेसी पर खतरा होने वाली बात जो प्रशांत भूषण ने करी, उस बात का उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं करा। हालांकि उनकी ओर से दो दलीलें दी गई। उनका यह कहना था कि यह प्रोसीडिंग जो इनिशिएट हुई है वो कंप्लेंट पे इनिशिएट हुई है, जिस कारण अटॉर्नी जनरल की कंसेंट रिक्वायर्ड है। पर वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि इस मामले में कोर्ट ने इन परिस्थितियों का स्वतः संज्ञान लिया है, जिस कारण अटॉर्नी जनरल की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैंने जो कुछ भी कहा वो बोनाफाइडली कहा, गुड फेथ में कहा, मुझे कानून अधिकार है मेरे अभिव्यक्ति करने का। पर कोर्ट का ये कहना है कि आपको भले ही अभिव्यक्ति का अधिकार है, आपको भले ही क्रिटिसिज्म का अधिकार है, बट इट शुड बी फेयर, इट शुड नॉट बी ऑफ सच नेचर कि आप कोर्ट को स्कैंडलाइज कर दें, कोर्ट की इमेज को आप लोअर डाउन कर दें। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट बात इस फैसले में निकल के आती है कि यदि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का, कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं करते हैं, उनको डैमेज करते हैं पब्लिकली, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्रिटिसिज्म फेयर नहीं है या उनका पब्लिकेशन फेयर या एक्यूरेट नहीं है, तो वहां भले ही आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई कोर्ट में लंबित नहीं है, भले ही आपने कोर्ट के ऑर्डर का वॉयलेशन नहीं कराया, भले ही आप कभी भी कोर्ट नहीं गए हो, तब भी आपके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। तो साथियों, अवेयर रहें, जल्दबाजी ना करें, ऐसी कोई सूचना जो कोर्ट के प्रोसीडिंग या कोर्ट के फैसले से कनेक्टेड है उसको स्प्रेड करने से पहले 10 बार सोच लें कि जो कुछ आप स्प्रेड कर रहे हैं वो फेयर या एक्यूरेट है या नहीं है। बगैर सोचे समझे यदि आप स्प्रेड कर देंगे तो अगले का कुछ नहीं जाएगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका ही। तो साथियों, अवेयर रहें, जागरूक रहें, जैसी गलती प्रशांत भूषण से हुई है ऐसी गलती आप ना करें। अपने राइट्स के प्रति आप अवेयर रहेंगे तो उनका आप फंडामेंटली प्रोटेक्शन कर पाएंगे, दूसरों को अवेयर कर पाएंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें। जल्दी मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।